सेंटेंस लिखना है ये वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ. ओके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ. दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब हमें यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है और उस पिक्चर्स में राइट डाउन सुटेबल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, जो उस पिक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब करिए वो वर्ड यहाँ पे लिखना है. ओके सो फर्स्ट हमें एक कैसी वुमेन दिख रही है, कैसी औरत दिख रही है. वी कैन सी द वुमेन इज फैट, वो थोड़ी सी मोटी है. तो व्हाट वी विल राइट, अ फैट वुमेन. यहाँ पे क्या आएगा, फैट, अ फैट वुमेन. नेक्स्ट विल चूज अ डिफरेंट कलर सो आपको आसानी हो. अ डैश रोज, यू कैन पिक रेड. अ डैश रोज, रोज किस कलर का होता है, रेड. सो वी विल राइट अ रेड रोज. नेक्स्ट अ डैश बॉय, जो बॉय है वो हंस रहा है, वो खुश है, तो हम क्या लिखेंगे, अ हैप्पी बॉय, हैप्पी बॉय. नेक्स्ट डैश पिकॉक, जो पिकॉक है वो कैसा होता है, सुंदर होता है, क्योंकि पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं. विल राइट अ ब्यूटीफुल पिकॉक, विल राइट है अ ब्यूटीफुल पिकॉक. नेक्स्ट अ डैश बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक कलर का बोर्ड है, विल राइट अ ब्लैक बोर्ड. देन वी हैव अ डैश मैन, जो मैन है वो बहुत ही लंबा है, सो विल राइट अ टॉल मैन. ओके सो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हो जाती है. नेक्स्ट से अलाउड, हमें तेज़ बोलना है, जो वर्ड्स मैं रिपीट, जो वर्ड्स मैं बोलूँगी आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, उन्हें तेज़ी तेज़ आवाज़ में प्रोनाउंस करना है. ओके फर्स्ट स्पॉइल, स्पॉइल, स्पैरो, स्पैरो, स्कूल, स्कूल, स्कर्ट, स्कर्ट, स्कोल्ड, स्कोल्ड, स्पोर्ट, स्पोर्ट, स्पीक, स्पीक, स्काउट, स्काउट, स्किप, स्किप, स्किन, स्किन. ओके आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आया कि मैंने कैसे वर्ड्स बोले, आपको भी ऐसे ही बोलना है. ओके चिल्ड्रन, सो हमारे चैप्टर है नीना एंड द बेबी स्पैरोज यहाँ पे फिनिश होता है. अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं या स्कूल आ सकते हैं फ्राइडे सैटरडे को.